पानी मारेगा, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के निर्देश पे शहर जिला युवक कांग्रेस की ओर से महंगाई के विरोध में ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वास्तव में सरकार की निष्ठुरता, सरकार की संवेदनहीनता, सरकार की संवेदनहीनता सामने आ रही है। जब वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश परेशान रहा, पूरा प्रदेश और शहर परेशान था, तब सरकार नाम की चीज़ दिखी नहीं। बढ़ती महंगाई पे जब इनसे कोई बात करे तो इनकी घर्राहट निष्ठुरता सामने दिखती है। एक इनका पूर्व मंत्री कहता है कि यदि महंगाई बढ़ गई तो लोग खाना खाना छोड़ दें। एक मंत्री इनका कहता है, केंद्रीय मंत्री, कि सरसों के रेट यदि बढ़े हैं तो मिलावट खोरी के कारण सरसों के रेट बढ़े हैं। सरकार में बैठे तमाम लोग, यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री इनका बोलता है कि महंगाई के लिए वर्तमान में जो जनसंख्या बढ़ रही वो कारण है। हमको ये समझ में नहीं आता कि इनकी बुद्धि पे पाला पड़ गया। इनको 7 साल पहले जनसंख्या नहीं दिखी, 7 साल पहले तो इनकी सारी नेत्रियाँ, जो पूर्व में अभिनेत्रियाँ थी, वो डांस कर कर के कहती थी कि सखी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई दायन खाए जाते, खूब बोलती थी। अब वो सारी की सारी नेत्रियाँ कहाँ गई, कौन सी डायन है, कहाँ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। निष्ठुरता हद तक बढ़ गई। आप सोचो कि हर व्यक्ति को 111 रुपये का लिफाफा जो व्यवहार में देना होता है, 1 लीटर के पेट्रोल के लिए देना पड़ता है, 100 से ऊपर डीजल के लिए, सरसों के तेल से लेके आप पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी उठा ले, रसोई गैस उठा ले, तो हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है। और इनके चेहरे पे शिकन तक नहीं है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ करते जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आके प्रतिकार कर रहा है, इनको जगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा वो चेहरा कहाँ गया जो संवेदनशीलता का था, जो कहते थे कि हम जनता के लिए लड़ते हैं। आज घमंड में, अहंकार में कोई भी तुम्हारा मंत्री नेता अजीब टाइप के बर्तन दे रहा, ये निंदनीय है। और युवक कांग्रेस के साथ साथ समूची कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है। और आम जनमानस के लिए, जनता को राहत मिले, जनता के जख्मों पे नमक ना छिड़का जाए, इसके लिए सड़कों पे